बहुत ही लाइट होता है वो और बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी। एक्चुअली ये छोटे छोटे गमले पे है ना, तो इसके लिए मैं ऊपर जो ये बड़ा हुआ था उसको मैं कट कर रही हूँ, और ये कॉर्नर का जो फ्लावर वाला प्लांट था उसको भी मैंने पूरा, फ्लावर जो है ड्राई हो गया था तो मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया। ये कुछ फ्लावर ठीक है अभी तक तो मैंने इसको रखा है। ये इसमें जो पर्पल कलर का फ्लावर था ना, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, मतलब कली है, तो कुछ दिनों के बाद फ्लावर आ जाएगा। तो जो पुराने फ्लावर थे वो ड्राई हो गए थे तो उसको मैंने हटा दिया, और जब भी प्लांट्स बड़ा हो जाता है ना ऐसे छोटे छोटे करके कट कर देती हूँ ताकि प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ये अगर आप बड़े वाले गमले पे लगाओ ना तो बहुत बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे गमले पे लगाया है तो मैंने छोटा ही रखा है। और ये जो कॉर्नर वाला है इसमें फ्लावर आते हैं और मुरझा भी जाते हैं, जैसे ये एक फ्लावर है, मतलब ये इस टाइप का होता है, मतलब फ्लावर आते रहते हैं मुरझा जाते हैं। और ये बहुत दिनों तक रहता है, येलो वाला ये एक्चुअली बहुत दिनों तक रहता है, तो जो ड्राई हो गया था उसको मैंने छाट के फेंक दिया, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है। एक दो दिन के बाद इसको भी कट कर दूंगी और नया फ्लावर आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नए फ्लावर आ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ प्लांट्स और ड्राई फ्लावर है जिसको मैंने कट कर दिया है। ये जो लीव था ना, मतलब इसको ये बढ़ गया था तो इसको मैंने कट करके छोटा कर दिया है, क्योंकि वो छोटे वाले प्लांट में है ना, तो मतलब छोटे वाले गमले पे है तो छोटा वाला ही रखना है इसको। और जो एक आगाछा बोलते हैं इसको, जो ऐसे प्लांट्स ग्रास वगैरह निकल जाता है, वो भी मैंने क्लीन किया है, क्योंकि प्लांट्स को आपको ना क्लीन करते रहना है। अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे, ड्राई लीव ड्राई फ्लावर रह जाएगा तो वो ग्रो नहीं करता है। और ये बारिश की वजह से पानी आ गया था तो मैंने जस्ट ऐसे ही इसको रख दिया है, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि आज सन भी है धूप भी है तो इसलिए मैंने करके रख दिया। ये ड्राई हो जाएगा तब मैं इसको मतलब बिछा दूँगी। इधर भी मैंने किया है, और ये वाले प्लांट्स का भी कुछ ड्राई लीव्स था, ड्राई फ्लावर था, तो सारे मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि इस तरह से अगर आप प्लांट्स को क्लीन करोगे ना तो प्लांट्स भी बहुत हैप्पी होता है और ग्रो भी करता है बहुत जल्दी। तो क्लीन करते रहना है, ड्राई लीव्स ड्राई फ्लावर प्लांट्स में नहीं रखना है। तो वही बाकी सारे प्लांट्स मेरे ठीक हैं, बट ये वाले जो सदाबहार है ना, सदाबहार था इस टाइप का जो सदाबहार था ना, ये वाला थोड़ा ड्राई हो गया है। इसको हम लोग रिपॉटिंग के लिए सोच रहे हैं, तो जल्दी से इसको रिपॉटिंग करना पड़ेगा शायद, पता नहीं क्यों ये एकदम से ड्राई हो गया। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ पालक की सब्जी, तो इसके लिए मैंने ऑयल में डाल दिया है पोटैटो को, और पहले मुझे बोड़ी को फ्राई करके अलग कर लेना था बट मैं भूल गई, तो अलग से मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। और इसको अलग कर लेने के बाद मैं ऐड करूँगी बैंगन को, और बैंगन को फ्राई करने के बाद सारे मसाले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने मसाले जैसे धनिया जीरा अदरक लिया है, और थोड़ा सा सॉल्ट और कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद लीवी को डाल के उसको ढक के मैं पकाती रहूँगी, और एकदम से ड्राई बनाना है इस तरह से। तो मेरी पालक की सब्जी यहाँ पे रेडी है। अभी मैं बनाऊँगी भिंडी ऑनियन फ्राई, और यहाँ पे भिंडी को मैं पहले फ्राई करूँगी, और भिंडी फ्राई होने के बाद मैं ऑनियन को ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। उसको जब अच्छे से, जब ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो जाएगा तब मैं ऑनियन ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। वेलकम बैक टू द चैनल। और अतनु है गार्डन पे, पानी दे रहा है, मैं भी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और ये है उसका डब्बा, मैंने फेंका नहीं है, एक दो दिन देख लूँ उसके बाद, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें करने के लिए। इस DIY के चक्कर में ना मेरा ये वाला जगह ना एकदम से स्टोर रूम बन गया है, ये वाला जगह। इसको मैंने फिलहाल यहाँ पे रखा है, ये पेंटिंग को मैंने हटाया है,
चिमचाम के वीडियो के लिए, क्योंकि जगह को थोड़ा सा मेकओवर करना है। और कल रात से ना पानी आना फिल्टर में सडनली बंद हो गया था, और मैंने पानी बॉयल भी नहीं किया था, क्योंकि कुछ दिन से पानी बॉयल करना बंद था मेरा। ऑन करो। तो क्या हुआ ना कि सडनली पानी कहाँ से मिलेगा, तो अतनु ने सामने वाले जो शॉप है वहाँ पे बिस्लरी मिलता है, तो बिस्लरी ऑर्डर किया, तो वो देखे गए, तो सुबह से वही पी रही हूँ। और अभी मैं बॉयल करके रखूँगी। और वो जो पालक का सब्जी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ दोपहर को, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और उसमें ऑनियन लहसुन कुछ नहीं रहता है, बहुत ही लाइट होता है वो, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है राइस के साथ। उसको गरम गरम बना के, गरम गरम राइस के साथ अगर आप खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। आता तो पहले बोल रहा था इसमें ऑनियन नहीं है ये वो, लेकिन जब खाया उसने बोला कि नहीं अच्छा बना है ये। कुछ कुछ रेसिपी मेरी मम्मी का है, मम्मी का नहीं, उस साइड में हम लोग मतलब सभी बनाते हैं, और मेरी मम्मी ये बिलीव करती है कि ऑनियन से मतलब ऑनियन बिना डाल के भी सब्जी बहुत अच्छा बनता है। तो कुछ कुछ रेसिपी मैं इस टाइप का बनाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, तो आप लोग ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत लाइट एक सब्जी है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। पालक तो बहुत है, मतलब हेल्दी भी है बॉडी के लिए, और कृति ने भी खाया। छोड़ दिया गया है। और कृति आज दोपहर से 3 घंटा सोई, 3 घंटा पता है, 3 घंटा रात को सोना नहीं है। हाँ जागते रहो करना है। हाँ गुलू गुलू उठो 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 उठो, कम ऑन, हाथ दो हाथ दो। क्यों दीता दीता दिली ना। तू उठ के ये खिड़की से क्या देखती रहती है। हाँ अच्छा खिड़की से नहीं देखना है, वहां पे वॉल पे क्या देखती हो आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं देखती हो कि कुछ नहीं क्या होता है? हाँ कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, छोड़ दी होगा चल, छोड़ दी होगा चिकू। मैं आई हूँ कपड़े उठाने के लिए, और कृति यहाँ पे चाय की मजा ले रही है। नहीं किसकी? दो, 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 दो। देखो चाय का जैसे कलर है ना, चाय का जैसे ही तो कलर बहुत है। बहुत गर्म है, बहुत 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 गर्म है। गर्म गर्म पियोगे तब नाक जो तुम्हारा बंद हो पड़ा है ना, नाक वो ठीक होगा। हाँ वो ठीक हो जाएगा अगर आप बहुत 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 गर्म दूध पियोगे तो। जो व्लॉग है इसको मैं यही पे एंड करूंगी। और अभी अभी मैंने कृति को स्नैक्स में रोल बना के दिया है, क्योंकि रोल उसको बहुत पसंद है। और बच्चों को क्या है ना, अगर आप कुछ मनपसंद चीजें बना के देते हो तो आपके सारे बात मान लेते हैं। और अभी सारे बच्चे थोड़ा सा बिजी है अपनी स्टडीज को लेके, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है सबका एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर है, तो इसके लिए। तो चलिए ये वाला जो ब्लॉग है इसको मैं ये पेंट करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।